हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि माउंटेन काफ़ी बेहतरीन, सुंदर और काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में हिमालय है, राइट ना? तो हिमालय दोस्तों हमारे लिए काफ़ी सुंदरता एक लेके आता है, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, राइट ना? तो यही दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा हम बात करें कि वर्ल्ड में काफ़ी बड़े बड़े पीक्स है, काफ़ी माउंटेन हम कहेंगे इंडिया में हैं, तो उन सभी माउंटेन के बारे में काफ़ी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे आज हम ना इंडिया के 10 जो टॉप 10 माउंटेन पीक है वो यहाँ पे लेंगे और उनके बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। आज वेल आज दोस्तों देखेंगे कोई ट्रिक कि कैसे हम इन 10 माउंटेन पीक को याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जान लें कि 10 इंडिया के माउंटेन पीक कौन से हैं जिन्हें हम दोस्तों आज हम ध्यान में रखेंगे एक ट्रिक के साथ। स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पिक्स है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट हिमालय सबको पता है कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड में है। आज वाला दोस्तों ये विशेषता काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया की, क्योंकि इंडिया का जो ये हिमालय है ये यंगेस्ट माउंटेन है, मतलब यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, वली पर्वत है। तो दैट्स वाई इसकी जो हाइट है दोस्तों काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के साथ दोस्तों टकरा रही अभी भी रही है। दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह बहुत कुछ होते हैं, एज वेल एज हिमालय की हाइट जो है वो कंटिन्यूसली पे बढ़ती जा रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इसीलिए दोस्तों इंडिया में काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे माउंटेन्स हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एक्चुअली धीरे धीरे कौन कौन से यहाँ पे एक एक माउंटेन्स है। चलो पहले देख लेंगे कांचनजुंगा, सबको पता है। तो कांचनजुंगा सिक्किम एंड नेपाल में दोस्तों है, एंड इट इज़ 8,586 मीटर का है दोस्तों, हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया का, अगर हम बात करें थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा हमारे माउंटेन पीक है दोस्तों वो है आपका नंदा देवी दोस्तों 7,816 मीटर है, जो कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है दोस्तों अगर हम वर्ल्ड की यहाँ पे बात करते हैं। देखो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है ऑफ द इंडिया एंड द हाईएस्ट पीक इन विच एंटायरली इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अगर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले की, देखो थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड वाला आपका रहेगा कामेत दोस्तों एक गढ़वाड़ हिमालय में आएगा, ओके, गढ़वाल हिमालय में जैसे उत्तराखंड में 7,756 मीटर की इसकी हाइट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख भी रह पाओगे। ओके आगे चल के बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे चौथे वाले माउंटेन पीक की, कौन सा है ये आपका दोस्तों सालचोरो है, सालचोरो कांगड़ी, तो डेफिनेटली ये दोस्तों जेएनके में काराकोरम रेंज में दोस्तों आता है, 7,742 मीटर इसकी हाइट है। और भी देखेंगे दोस्तों पांचवा वाला क्या है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सा है अपना पांचवा माउंटेन, ये रहा दोस्तों ये है आपका पांचवा सासेर कांगड़ी, ये भी कहाँ पे काराकोरम रेंज में भी है और दोस्तों सासेर मुस्ताग लद्दाख में है, 7,672 दोस्तों इसकी हाइट है, ये लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों जान लेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, ये रहा दोस्तों आपका मामोत्सोंग कांगड़ी, ओके मामोत्सोंग कांगड़ी ये रहा काराकोरम रेंज में ही लद्दाख के यहाँ पे 7,516। देखिए मैं अभी आपको नाम तो बता रहा हूँ, ये हम लेके तो चल रहे हैं, लेकिन आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी लाइन, जो लाइन से आप क्या करोगे सारे जो पिक्स है ना ये ध्यान में रख पाओगे। अभी क्या करना, आपके जो नोटबुक है इसमें ज़रूर लिख लेना कि कौन कौन से पिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलो तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो पिक है वो इंतजार कर रहा है हमारा, दैट इज़ रीमो दोस्तों वो भी काराकोरम रेंज में ही है, जिसकी हाइट दोस्तों 7,385 है, रीमो भी ध्यान में रखना। आगे चलेंगे दोस्तों कौन सा वाला नेक्स्ट है अपना, ये है आपके स्किन के ऊपर, इट्स अ हरिद्वाल, ओके हरिद्वाल है, दैट इज़ कुमाऊं हिमालय में है उत्तराखंड में, 7,151 दोस्तों हाइट है, और दोस्तों इसको टेम्पल ऑफ गॉड भी यहाँ पे कहा जाता है इंटरेस्टिंगली। आगे चल के बात करते हैं दोस्तों एक और नया पिक है, देखेंगे कौन सा है, ये रहा आपके स्किन के ऊपर, नाम तो पता होगा नहीं है तो कोई बात नहीं, चौखंबा, ये दोस्तों चौखंबा ये नाम है, ये गढ़वाल हिमालय में दोस्तों आता है, गढ़वाल में गंगोत्री के नज़दीक है, हम कहेंगे गंगोत्री ग्रुप ऑफ माउंटेन जो है उत्तराखंड में उसके काफ़ी नज़दीक है, इसकी हाइट 7,138 किलोमीटर है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या ध्यान में रखेंगे, चलो लास्ट वाले कुछ पिक्स है, त्रिशूल ये दोस्तों अपना लास्ट वाला, देखो त्रिशूल की तरह यहाँ पे दिखता है वन वाला पिक, दूसरा और तीसरा, दैट्स वाई इसे त्रिशूल दोस्तों यहाँ पे कहते हैं। चलो ये कुमाऊं हिमालय में है, इसकी हाइट लगभग 7,120 मीटर है। अब हमने 10 यहाँ पे पिक देख लिए हैं, अब 10 पिक देखने के बाद तो इनके नाम तो अब तो ध्यान में नहीं है, कुछ ही नाम याद है, सारे तो नाम याद नहीं है। इसके लिए दोस्तों आपके लिए एक ही यहाँ पे ट्रिक है, एक ही लाइन आपको ध्यान में रखनी है, क्या कांचन देवी को ससम्मान रिहा कर चुके थे, ओके बताओ कांचन देवी को ससम्मान रिहा कर चुके थे। अब कांचन नाम तो याद आ गया, देवी ये भी पता है, चलो ससम्मान रिहा वगैरह क्या क्या ये सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे। अब कांचन देवी को अगर मैं बात करें तो कांचनजुंगा आपके यहाँ पे आ गया, नंदा भी आ गया, ओके और देखो देवी भी आ गया और को भी आ गया, मतलब कामेत आ गया, तो ये ध्यान में रखना कांचन देवी को कांचनजुंगा, नंदा देवी और कामेत है कि नहीं। अब नेक्स्ट अगर ससम्मान की बात करें
तो आपका स स मतलब क्या, साल्टोरो और सासेर ये दोनों आ गए, ओके। साल कम फर्स्ट देन सास, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये देखना। एंड उसके बाद दोस्तों मोंटेसोग, ओके ओके, मोनोस्टोंग मोन्स, ओके मोनोस्टोंग, ये आपका रहा कांगरी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। माम हमने यहाँ पे रखा, ओके, मान मतलब पता है ना, ये मान यहाँ पे रहा, तो थोड़ा सा ये ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे चलेंगे रिहा, रिहा मतलब क्या, रीमा और हरदयाल, इंपॉर्टेंट है। और आखिर में दोस्तों ये रहा आपका चुखे मतलब क्या कि चौखंबा, ओके, और थ मतलब क्या कि यहाँ पे थे मतलब क्या त्रिशूल, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कांचन देवी को ससम्मान रिहा कर चुके थे, इसमें कांचन यहाँ पे आपका कांचन जो आ गया, नंदा देवी, देवी हमने वहाँ पे बात कर तो देवी आ गया, को मतलब आपका कामित आ गया, ओके, क, उसके बाद ससम्मान, ओके, यहाँ पे क्या आ गया कि आपका सासेर और सालचोरो, उसके बाद मान, मान मतलब क्या आपका मान, ये रहा मानोस्तोंग, ओके, मानोस्तोंग कांगरी ये आ गया। तो सेकंड वाले में आपके तीन यहाँ पे पिक आ गए। दूसरा वाला है दोस्तों रिहा, रिहा में क्या रीमो आ गया, और उसके बाद दोस्तों आपका हरडियोल आ गया, ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे। एंड जो लास्ट में दोस्तों चूंकि चौखंबा और त्रिशूल, अब कांचन देवी को ससम्मान रिहा कर चुके थे, आपका कांचन जुंगा, नंदा देवी, कामेत, सासेर, सोलचोरो, मैनोत्सोंग, देन रीमो, हरडयाल, चाखुम्बा एंड त्रिशूल, ये दोस्तों 10 पिक आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इस चीज़ को जो है एक बार लिख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, इसके बाद दोस्तों 10 पिक याद में रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ध्यान में रह जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। दोस्तों ये था आज का सेशन, आपको समझ में आया होगा। आपको बता दूँ, आपको इसी तरह की अगर पढ़ाई करनी हो मुझसे, इंडियन पॉलिटी पढ़ना हो दोस्तों, आप आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए, कहाँ पे, स्पेशल क्लास में एज वेल एज प्लस क्लास में। देखो इस प्लस क्लास में एनरोल होने के लिए आप NW10 यूज़ कर सकते हो, जिससे आप इंडियन पॉलिटी में दोस्तों डेफिनेटली आओगे, मुझसे पॉलिटी पढ़ पाओगे। ये काफ़ी कंप्लीट कोर्स है, इसमें एक एक चीज़ दोस्तों डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी। तो 18 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मेरी प्रोफाइल की लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगी, उसमें ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा। प्लस में आने के बाद क्या मिलेगा आपको, मेरी तरफ से पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपका स्टडी प्लान आपको मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा, एज वेल स्टडी मटेरियल, एंड उसके बाद एक्सपर्ट का गाइडलाइंस, ओके, मैं तो हूँ, ओके, तो टेंशन की बात ही नहीं है। 17 फरवरी के बाद देखो तो 27 फरवरी को आपके लिए हम ला रहे हैं एक बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप दोस्तों काफ़ी चीज़ें वगैरह जीत सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आओ और अपना ज्ञान दिखाओ, ज्ञान दिखाने के बाद आपको हम प्राइज़ वगैरह पे ज़रूर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिकॉर्न बैच दोस्तों आपके लिए यहाँ पे आ रही है, जिसमें दोस्तों पूरी तरह से ये SSC CHSL के लिए रहेगी। ये 14 फरवरी से यहाँ पे शुरू हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों देखिए, कोई भी प्रिपरेशन करते तो उसके लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं चाहता हूँ कि इतनी सारी फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये ज़रूर दोस्तों यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद जब आप आते हो प्लस में, तो और एक फीचर आपको होता है, दैट इज़ आइकॉनिक फीचर, उसमें आपको प्रायोरिटी एंड डाउट सॉल्विंग मिलती है। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो उसमें आपको दी जाएगी प्रायोरिटी इन द लाइव क्लासेस आपके डाउट सॉल्व करने में, तो आपके डाउट जल्दी सॉल्व होंगे। घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, डाउट वगैरह आता है तो फोटो खींच के हमें सेंड कीजिएगा, आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएंगे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, एज वेल एज रेज हैंड का सोल्यूशन जो होता है, मतलब क्या है कि रेज हैंड का फीचर आप यूज़ करके एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर पाओगे और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं के वहीं पा सकते हो। आज का डाउट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, राइट ना, NW10 का यूज़ करके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पा सकते हो, जो कि दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। NW10 अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एज वेल एज आपके जो कॉइन अवेलेबल होते हैं स्पेशल क्लास देखने के बाद, उसमें दोस्तों 5-10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंतज़ार करता हूँ दोस्तों आप सभी का प्लस क्लासेस में, इंडियन पॉलिटी पढ़ने के लिए मुझसे जरूर आ जाएगा। एंड ये रहा अपने स्पेशल क्लास का शेड्यूल, आप अगर मुझसे स्पेशल क्लास में जुड़ना चाहते हो और बातें करना चाहते हो, तो ये रहा अपना स्पेशल क्लास, तो इसमें ज़रूर जुड़िए 9:30 बजे, 12 बजे और 3 बजे, है कि नहीं। एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये रहा नीलेश सर अनअकैडमी, इसे ज्वाइन करना भूलिएगा मत। दोस्तों तो ये था आज का सेशन, ओके, कैसा रहा जरूर बताइएगा। अपने जो चैनल पे है 7 मिनट स्ट्रिक पे जुड़े रहिएगा, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा ऐसे ही अमेजिंग दोस्तों ट्रिक्स पाने के लिए। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, बाय।